उनको मुशरिक कहते हैं, उनको काफिर कहते हैं, उनकी काफिर और मुशरिक कहकर तमाम जुबार की तौहीन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें चाहिए कि वहाँ पर जाना किसी सूरत में तर्क ना हो। आयतुल्लाह साफी गुलपायगानी ने खुद फरमाया कि मेरे पास बहुत सारे इस्तफसार के लिए आते हैं सवाल कि इतना हमारे साथ जायरीन के साथ वहाँ तौहीन नामे सलूक होता है तो हम बायकॉट ना करें इन लोगों का और वहां पर ना जाएं ऐसे जाए। उन्होंने कहा नहीं, जाना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया, पहले से भी ज्यादा, बल्कि कहा कि सिर्फ सऊदी अरब के हद तक ना रहें, दीगर ममालिक में जहां जहां ज्यारतें वहां पर भी जाएगी। और कुछ रिवायात के वो कमजोरी क्यों ना सही, जैसे हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोजा, शाम में वो तो मोतबर उससे साबित है और उलमा का नजरिया है, लेकिन एक उनसे मंसूब एक उनका एक रोजा मिस्र में भी, कहा कि उस कमजोर रिवायत के किसी पासदारी करते हुए वहां पर भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपका वहां जाना जो है इस्लाम की तरवीज और तबलीग और अपने मकतब फिक्र की तरवीज और तबलीग का सबब बनेगी, वहां पर भी जाना तरक्का करें, वहां पर भी जरूर जाइए। तो बहरहाल आयतुल्लाह साफी गुलपायगानी उनकी खास तौर पर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जाना जरूरी बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। और खुद कहते हैं कि जब मैं सफर हज पे तशरीफ जब ये तशरीफ ले गए थे तो कहने लगे कि मैं जब वहां गया तो अक्सर वहां पर जो मदीने में जो मुख्तलिफ अफराद होते हैं और पुलिस वाले भी होते हैं तो मैं अपने इस्लामी अखलाक का मुजाहरा करता था, उनको सलाम करते गुजरता था। मेरी बिल्डिंग जिस रस्ते में जहाँ से मैं गुजरता था वहां पर उन लोगों की चेक पोस्ट टाइप की पड़ती थी, सलाम करता था, लोग जवाब देते थे। एक दफा उन्होंने मुतासिर मुझे अपने पास बिठा लिया, आयतुल्लाह साफी गुलपायगानी, तो कह रहे उन्हीं के अंदर एक था फौजी, वो जो है वो नजरान का था, तो कह लेंगे मैंने उससे पूरा वाकया मुबाहला जो है जो नजरान के ईसाइयों के साथ और पुरानी आयतें बताई तो बहुत ही हैरान हुआ। कह लेंगे इससे पहले मैंने गोया कभी सुना ही नहीं। फिर कह लेंगे मैं रोजाना जब वहां से गुजरता था तो ये नौबत आ गई कि वो लोग मुझे बिठाकर मुख्तलिफ चीजों पर सवाल जवाब करने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक तरीका ये था कि जरा पुराना दौरा शायद इतने हालात ना रहे या आयतुल्लाह साफी गुलपायगानी जैसी शख्सियत भी होनी चाहिए, अब तो खैर वो मार मोड़ के भगा देंगे किसी को, हम हमारे तरह का कोई आदमी उनसे जाकर इसको बात करेगा तो। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, यही वजह है कि हमारे महाराजे कराम जैसे आयतुल्लाह वहीदो खुरासानी ये भी जब बकी गए थे तो बाकायदा हमने उलमा का भी वहां पर और महाराजे का तरीकेकार देखा कि जन्नतुल बकी में भी जो अक्सर उलमा वो बाकायदा जूते बाहर उतार कर जाते हैं, चाहे वो कितनी सख्त गर्म जमीन क्यों ना हो, कहते हैं आइमा के कबूर हैं इस जितना रोजे के अंदर जो है जूतों समेत अंदर दाखिल नहीं होते, खैर वो उस लिहाज से हराम नहीं वहां पर जूतों समेत क्योंकि रस्ते जो है अलग बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि उलमा को के अक्सर वहां पर जो है अपने जूते वगैरह उतार कर बकरी के अंदर जो है दाखिल होते हैं। तो आपको आइमा के कबूर की ज्यारत और दीगर ज्यारत भी नहीं छोड़नी, जब कुब्बे यहाँ के ऊपर बने हुए थे तब भी ज्यारत के लिए लोग जाते थे और जबकि कुब्बे नहीं है और बिल्कुल फ्लैट अब कब्रें कर दी गई हैं तब भी आपको जाना तर्क नहीं करना चाहिए। और उलमा ने बाकायदा इस सिलसिले में जो इस किस्म के वहां भी अफकार हैं खुद आपाकिस्तानी का भी बाकायदा जो है वो पूरा सत्ता है इस पर, जिसको उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के मुतालिक कहा है कि ये वाल था और यानी गुमराह था और जो है तो कहा कि इसने हर अकायद और शुरू में उनकी जो है इख्तलाफ उनसे किया है और ये जो वहाबी फिरका है ये मदीने में पैगम्बर इस्लाम की कब्र की ज्यारत की नियत से सफर को हराम समझता है और उनसे तवस्सुल को हराम समझता है, खासतौर पर उनके मरने के बाद उनसे तवस्सुल को और पैगम्बर इस्लाम से जो तवस्सुल करता है या औलिया से जो तवस्सुल करता है उसको ये मुशरिक समझता है। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब से ये बात नकल की गई है कि वो एक बात कहा करता था, एक सप्ताह में उन्होंने जिक्र किया कि मेरे हाथ में जो आता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर है और कहता था कि ये मेरा आता फिर भी कोई फायदा देता है लेकिन रसूलुल्लाह क्योंकि मर चुके हैं और तो उनसे वो कोई फायदा हासिल नहीं होता। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं अगर उसने ये बात कही है तो इसका कलाम खुद उसकी गुमराही और कुफर के इस बात के लिए काफी है। अच्छा तो बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो वहाबी हजरात वो इस बात पे काफी जुजबुज करते हैं और लहरे की ऐसी चीज है कि जिसमें वो कहते हैं कि भाई इसका क्या रेफरेंस है कि उसने ये बात कही थी। तो
کہ بہت سے لوگوں کے دماغوں کے اوپر اثر انداز ہونے لگی, تو زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو بیان کرنا مقصد ہے. اس کے لیے بہترین کتاب اردو میں بھی ہے, آئین وہابیت آیت اللہ جعفر سبحانی کی, یہ آپ لے کر ضرور پڑھیں. اس کی جو دلائل ہیں میں نے ابھی جو اکثر دلائل دیے اسی کتاب کے اندر آیت اللہ جعفر سبحانی نے نقل کی. النجم يا صاحب السماء, النجم النجم.